प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सब लोग अपनी दिनचर्या में बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं। हमें कहीं ट्रैवल करना हो, खाने की कोई चीज लेनी हो, किसी पेय पदार्थ को स्टोर करना हो, तो हम उसे प्लास्टिक के बॉक्स में करते हैं। लेकिन लंबे समय तक और बहुत ज्यादा प्लास्टिक के इस्तेमाल से क्या हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रीष्मा और आपका स्वागत है हिडन फैक्ट्स विद ग्रीष्मा में। आज मैं बात करने वाली हूं प्लास्टिक और उसमें इस्तेमाल होने वाले BPA की और उसका हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की। दोस्तों, प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमारे आसपास की मैक्सिमम चीजें अगर आप गौर करें तो ये प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। बच्चों के बॉटल्स, सिपी कप्स, वाटर बॉटल्स से लेकर टॉयज, फोन, फूड कंटेनर, सब कुछ प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक के कुछ क्वालिटीज होते हैं, जैसे ये कंपैरेटिवली इजी टू हैंडल, चीप और ड्यूरेबल होता है। लेकिन जितना ही ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे लिए नुकसानदायक भी। बेसिकली प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थ और नेचुरल गैस का बायो प्रोडक्ट होता है, जिसे पॉलीमर से बनाया जाता है। फिर इसे पिघलाकर प्लास्टिक के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कई तरह के केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिनमें से एक है BPA। BPA बिस्फेनॉल ए के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसे वृहद स्तर पर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे हेल्थ पर BPA के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या है ये प्रभाव? यूं तो इसे 1890 ईस्वी में ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वृहद स्तर पर प्लास्टिक को और हार्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में किया जाने लगा, क्योंकि BPA का स्ट्रक्चर हमारे शरीर में मौजूद हार्मोन एस्ट्रोजन के जैसे होने से यह हमारे हार्मोन को कॉपी कर हमारे बॉडी के प्रोसेस जैसे सेल रिपेयर, फेटल डेवलपमेंट और एनर्जी लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत से स्टडीज के अनुसार BPA मेल और फीमेल दोनों के फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी यह बढ़ाता है। इम्यून फंक्शन, थायराइड फंक्शन, ब्रेन और लीवर फंक्शन इत्यादि को भी यह डिसरप्ट कर सकता है। अब जानते हैं BPA हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। तो इसका सीधा सा जवाब है हमारी डाइट्री इनटेक। BPA एक्सपोजर के अदर सोर्सेज फूड पैकेजिंग, डस्ट, एयर, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, थर्मल पेपर और बच्चों के टॉयज भी हैं। तो BPA के एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें खाने को प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर ना कर स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक या ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। हमेशा उसी प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करें जो BPA फ्री हो या जिसके बॉटम में 1, 2, 4 और 5 लिखा हो। कैन फूड के इस्तेमाल से बचें। जितना हो सके कैन फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि कैन के इनर कोटिंग में भी BPA का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा खाने को डीप फ्रीज करने या हीट करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल ना करें, अगर वो BPA फ्री हो फिर भी। हमेशा प्लास्टिक के बर्तन को हाथ से ही धोएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि प्लास्टिक को बनाने में BPA का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जितना हो सके हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद BPA हमारे कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने और अपनों की सेहत का भरपूर ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे इसी उम्मीद के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।